दोस्तों, अगर आप अपनी पुरानी किसी ज्वेलरी को बेचना चाहते हैं, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या फिर कोई कीमती पत्थर, जम स्टोन हो, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसकी सही कीमत का पता लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों, अगर आप किसी और से किसी पुरानी ज्वेलरी को परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो कैसे आप उसकी सही कीमत का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके को अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी आपको कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आपको ज्वेलरी की सही कीमत का पता होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल देव, आप देख रहे हो न्यूज टेक्निकल गैन। तो फ्रेंड्स, ज्वेलरी की सही कीमत का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आपके किसी भी ब्राउजर में। मैं क्रोम ब्राउजर में जाता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टाइप करना है orangebookvalue.com और सर्च कर देना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑरेंज बुक वैल्यू का पेज इस तरह से खुल के आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर 3 lines आपके राइट साइड में दिखाई देगी, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर चेक OBV के ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको OBV फॉर ज्वेलरी के ऑप्शन पर करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ज्वेलरी बेचनी है तो आपको करना होगा आई वांट टू सेल के ऑप्शन पर क्लिक, या फिर अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो आई वांट टू बाय के ऑप्शन पर आपको करना होगा क्लिक। तो यहां पर फ्रेंड्स अभी हमें फिलहाल अपनी पुरानी ज्वेलरी को बेचना है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आप अपनी पुरानी ज्वेलरी की कीमत को पता कर सकते हैं। तो यहां पर हमें करना होगा आई वांट टू सेल के ऑप्शन पर क्लिक। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी ज्वेलरी की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर नीचे कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी गहना किस प्रकार का है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बैंगल्स है, ब्रेसलेट है, नेकलेस है, पेंडेंट्स है या फिर है कोई रिंग। तो यहाँ पर हम रिंग के ऑप्शन को कर लेते हैं सिलेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स हमें करनी है अपनी लोकेशन को सिलेक्ट। तो यहाँ पर लोकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें डिजाइन के ऑप्शन पर करना है क्लिक। यहाँ पर हम अपने डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बेसिक है, सेमी है, तो यहाँ पर हम फिलहाल बेसिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपने गहने की कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है या फिर कोई जम स्टोन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं फिलहाल गोल्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी ज्वेलरी के जो वजन है उसको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 तोला सोना होता है 10 ग्राम के बराबर और मेरे पास है 1.5 तोला सोना, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 15। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्योरिटी के ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। तो हमारा सोना कितने कैरेट का है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम 21 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चेक प्राइस के ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि 1.5 तोले सोना यानी कि 15 ग्राम सोने की कीमत यहाँ पर 64,000 से लेकर 68,000 के बीच में शो हो रही है। आपकी ज्वेलरी किस तरीके की है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी ज्वेलरी फेयर है तो फेयर का प्राइस 62,174 से 66,020 के बीच शो हो रही है। अगर आपकी ज्वेलरी गुड है तो 64,000 से लेकर 68,000 के बीच में वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपकी ज्वेलरी की कीमत आपको वेरी गुड लगती है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, 65,300 से लेकर 69,423 रुपए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी ज्वेलरी की कंडीशन एक्सीलेंट है तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कीमत है 66,020 से लेकर 70,103 रुपए यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी किसी भी पुरानी ज्वेलरी की कीमत का पता लगा सकते हैं, चाहे आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को किसी को बेच रहे हो या फिर आप किसी से पुरानी ज्वेलरी को खरीद रहे हो। और फ्रेंड्स इस तरीके का यूज करके आपको कभी भी कोई ठग नहीं पाएगा, यानी कि आपको पता रहेगा कि आपकी ज्वेलरी की सही कीमत आपको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम की, यूजफुल, अच्छी और यूनिक लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से छूटे ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यूजफुल अलग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।